नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी वीडियो लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि आलस्य क्या है, क्यों यह पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिस वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? तो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसे आलस से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे मुनिवर? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम हमारे शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं वह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमने बैठने, चलने और लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि वह जब बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, जब वो लेटते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही उसे समझे, अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संकलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, जबकि सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह के बैठने लेटने से और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज्यादातर स्थिति में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे, अब सब बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल समझते हैं तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। जब हम अपने आप को नाकाबिल समझते हैं तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो कि तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल जाओगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा घर का रास्ता नहीं मिला तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन को
आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट न होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आलस्य का चौथा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो, अब तुम्हारा और चलने का मन भी नहीं कर रहा, तुम्हें आलस्य आ रहा है, तभी अचानक तुम देखते हो एक शेर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना, आलस्य केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने से तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी स्पष्टता है या कुछ करने की कोई बड़ी वजह है, आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं या फिर आप आलस्य की वजह से लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आप पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी बुक्स के नाम है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी आपकी पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में, जिससे आप आज के काम को आज ही करेंगे, कल पर नहीं डालेंगे। तो जो मेरी पहली बुक है वह मेरी बहुत ही फेवरेट है, बुक जिसे मैंने तब पढ़ा था जब मैं 12th क्लास में था। उसका नाम है ईट द फ्रॉग, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। मुझे पूरी उम्मीद है ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई यह बुक आपके अंदर एक गजब का बदलाव ला देगी। अगर आप सुबह जल्दी न उठने की वजह से परेशान रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इस आदत को डेवलप करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। शर्मा द्वारा लिखी गई यह बुक, इसका नाम है 5 AM क्लब, एक बहुत ही शानदार और बेस्ट बुक है। यह तीसरी बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट एकदम बदल जाएगा और आप जान पाओगे कि आज के काम को आज ही करने की एक छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ को कितना आसान बना सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।